वाहिगुरु साहिब जी अथ मुबालग स्वरान देव अदेव दो दल युद्ध कथन बिसन पद तलंगी रेखता छंद सुनो अब कहानी दो दल कार जार सुरासुर परधानी सुबट शह सवार सुनो अब कहानी दो दल कार जार। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह कलगीधर पातशाह जी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज श्री सर्वलो प्रकाश ग्रंथ की कथा गुरमत विद्याला कैरों विखे आप गुरु क्या सिख संगता नू सरवण करवा रहे ने। अज गुरु खालसा जी महाराज कलगीधर पातशाह जी जंग दे प्रसंग नू फारसी बोली दे विच कलम बंद करके आप गुरु क्या सिख संगता नू सरवण करवाउणगे। कल महाराज साहब जी ने समर गीता दा पाठ आप गुरु क्या सिख संगता नू सरवण करवाया सी ते अज महाराज कलगीधर जी ए जो जंग दा प्रसंग है इनू फारसी बोली विच कहणगे। भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी ने सत ग्रंथ फारसी बोली विच लिखे ने जिन्हां विचों रहत नामा जोत विगास ते तनखाह नामा ए ग्रंथ आम काव दे विच ने ते बाकी ग्रंथ फारसी बोली विच ने। भाई नंद लाल साहब जी ने फारसी बोली दे विच प्रेम दा कथन ते कीता है। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे नाल जो उन्हां दा दिली प्रेम सी इन्हां ग्रंथां दे विच उन्हां ने जाहर करके दिखाया है। पर गुरु खालसा जी वीर रसी काव ये कलगीधर पातशाह जी ने फारसी विच लिखिया है। सिख शादी जी होए ने मौलाना रूमी है होर गुरु खालसा जी अनेक कवि जिन्हां ने परशियन बोली दे विच बहुत सारे ग्रंथ लिखे ने पर उन्हां ने रब दे नालों अल्लाह दे नालों जो विछोड़ा पिया है जो विछोड़े दा दर्द है वह परशियन ग्रंथां दे विच ते लिखिया है। पर गुरु खालसा जी जो ये जंगी कथा है जंगी प्रसंग है ये उन्होंने नहीं लिखे ये महाराज कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने लिखे ने। सो आओ मन दियां विरतियां नू एकाग्रचित करिए उचारण करिए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी अथ मुबालग सवरान। हां जी महाराज साहब जी कहंदे ने अथ मुबालग है मुबालग हुंदा है वध चढ़ के ते सवरान दा अर्थ हुंदा है जिहड़े घोड़ सवार देव देवते ते अदेव दैंत इन्हां दो दलां दे विचकार जो युद्ध होया है उन्हूं कथनंग कथन करदे है। हुण जो सूरमिया ने वध चढ़ के जंग दे मैदान दे विच तेगां मारियां ने जंग जहाद कीता है उन्हूं महाराज कलगीधर पातशाह जी कथन करदे पए ने। बिसन पद तै लंगी रेखता छंद महाराज कलगीधर पातशाह जी तलंग राग दे विच कृपा करदे ने। तलंग गुरु खालसा जी एक ऐसा राग है फारसी दा बहुता काव प्रबंध तलंग राग दे विच ही गाया जांदा है। सर्वलो प्रकाश ग्रंथ विच जिथे जिथे फारसी दे शब्द आए ने
परशियन बोली विच लिखिया का प्रबंध आया है। उत्थे उत्थे महाराज कलगी द्रव जी ने तलंग राग की वरतू की है। गुरु नानक देव पातशाह जी ने मौलवी दे ताई कुतुबद्दीन दे ताई जो उपदेश बख्शिया सी बचपने दे विच जिन्हों गुरु ग्रंथ साहब जी का तिलंग राग का पदा कहते ने वह भी गुरु खालसा जी तिलंग राग दे विच ही गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच दर्ज है। इत्थे महाराज कलगी ध्रुव जी तैलंगी तिलंग राग दे विच कृपा करते ने। तिलंगी का अर्थ विद्वाना ने यह भी किया एक ऐसा राग है जिन्हों गुरु खालसा जी डफा बजा करके गायन किया जाता है। महाराज साहब जी कहते ने कि ये जो बाणी है इसनू बाजिया गाजिया के नाल गाउना है। ये तैलंगी तो भाव विद्वान लेंदे ने। रेखता छंद रेखता गजल की एक खास किस्म है जो अलंकारां दे सहत होवे उन्हूं रेखता कहिंदे ने। उंज ते गुरु खालसा जी प्यारा सिंह जी पद्म ने लिखिया है कि जिहड़े गुरु खालसा जी अरब देशां दे विचों चल के छिपाही आउंदे सन जदों हिंदुस्तान दे विच चल के आउंदे उन्हां दी बोली विच कुछ उर्दू कुछ अरबी दे कुछ फारसी दे कुछ हिंदी दे शब्द रल जांदे उन्हां दी एक रली मिली जी वक्री बोली तैयार हो जाती जिन्हों उर्दू भी कहिंदे ने ते जिन्हों रेखता भी कहिंदे ने। इहदा मीनिंग हुंदा है भी विंगी टेढ़ी बोली। महाराज कलगीधर जी ये रेखता लिख रहे ने। इहदे विच फारसी दे शब्द भी आउणगे इहदे विच हिंदी दे शब्द भी आउणगे। रेखता एक छंद भी है छंद दवाकर दे विच ते आम गुरु खालसा जी जिहड़े छंद शास्त्र दे ग्रंथ ने उहदे विच इहदा लक्षण लिखिया होया है। मौलवी अतीक अहमद साहब जी जिन्हां दे पास उदास ने यह फारसी सरबलो प्रकाश ग्रंथ विच जो आमदी है जो भाई नंद लाल साहब जी दे परशियन दे ग्रंथ ने इन्हां दी संथ्या कीती सी अर्थ पढ़े सन। उन्होंने यह भी दस्या सी कि रेखता गजल दी एक खास किस्म है जो अलंकारां दे सहत होवे गजल उन्हूं रेखता कहिंदे ने। महाराज कलगीधर जी रेखता छंद दे विच ਇਹ ਜੁੱਧ ਦਾ ਕਾਵਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਚਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਅਬ ਕਹਾਣੀ ਦੋ ਦਲ ਕਾਰਜ਼ਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਦੋਨਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰਜ਼ਾਰ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ अब हुण तुसी सुनना करो। सुरा सुर प्रधाने सुबट शह सवार। महाराज साहब जी कहंदे ने जिवें जंग दे मैदान दे विच प्रधान देवते ते प्रधान दैंत ते सुबट सूरमे ते शह सवार जिहड़े चंगे घोड़ सवार सन उह लड़े ने ਉਹ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਨਿਸਰ ਦਲ ਤੇ ਆਏ ਬਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੈਂਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਨੇ? ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਮਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ਾਫਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
कान सिंह जी नाभा ने शांत दवाकर दे विच ए इस आफत नू दीर्घ मात्रा मन्या है। किते किते कहंदे ने शांत गति दे लिहाज दे नाल जे मात्रा वादी होवे ते इस आफत नू लघु भी मन्या जा सकदा है। इहदी आवाज बारे जिक्र कीता है कान सिंह जी नाभा ने, वो कहंदे ने इहदी सिहारी दे नालों आवाज थोड़ी वध हुंदी है ते लाम दे नालों घट हुंदी है, विचकारला जिहा मेल है। फारसी दे विच ये इजाफत हुंदी है, ये दो शब्दां नूं जोड़न वास्ते वरती जांदी है। इवें संस्कृत भाषा दे विच ये कानून है कि जिथे दो शब्द जोड़े जांदे है ना, उत्थे गुरु खालसा जी पहले शब्द का आखिरी अखर मुकता हुंदा है तां समास हुंदा है, जोड़ हुंदा है। पर फारसी विच अजिहा कानून है कि पहले शब्द के आखिरी अखर नूं इजाफत लगती है। ये इजाफत कईआं ने सिहारी रूप विच लिखी है, कईआं ने लाम रूप दे विच लिखी है। इहदा उचारण मैदाने जंग इस तरीके नाल करना है, ये बुलाउणी अत जरूरी है। जक अर्ज गुप्तम पेसे तो उत्थे भी ससे नूं सिहारी है, वह भी गुरु खालसा जी बुलाउणी अत जरूरी है। सो महाराज कलगीधर पातशाह जी कहंदे ने जंग दे मैदान विच निकल के आए ने जिहड़े प्रधान सूरमे ने आपो अपने दलां दे विचों निसर मैने निकल करके आए ने। पराक्रम बलवंड शेरा निहंग, महाराज कलगीधर जी कहंदे ने जिहड़े पराक्रम ताकत वाले ते बलवंड निधड़क बल वाले जिहड़े सूरमे सन, बल नूं वंडन वाले सन, जिधरले पासे हो जांदे उधरले पासे दा पल्ला भारी हो जांदा। जिन्हां दा शेरां वर्गा सुभा, जिन्हां दा निहंग मगरमच्छां वर्गा सुभा है, मगरमच्छ दा सुभा है जिहदे मगर पै जावे उहदा गुरु खालसा जी उह पिछा नहीं छड्दा जिन्ना चिर तक उहनूं फना ना कर दवे। शेर दा भी यही सुभा है। कहंदे ऐसे सूरमे आए ने जिहड़े बड़े ताकत वाले ने, शरीर करके भी पराक्रम ताकत वाले ने ते मनोबल करके भी जिहड़े बड़े बल वाले ने, जिन्हां दा मन बड़ा बली है ऐसे बलवंड ने ते जिन्हां दा शेरां वर्गा ते मगरमच्छां वर्गा निरभय सुभा है। ऐसे निरभय सूरमे जंग दे मैदान विच आए ने। महाराज कलगीधर पातशाह जी ने अपने खालसे दे ताई गुरु खालसा जी तीन नाम दिते ने, जिहड़े छोटे ने उहनां नूं गुरु खालसा जी महाराज साहिब जी ने भुजंग नाम दिता है, ये भुजंगी ने। जिहड़े गुरु खालसा जी अमृतधारी बाणियां वाले ने उहनां नूं सिंघ दा नाम दिता है, ते जिहड़े फरलियां वाले गुरु के सिंघ ने उहनां नूं निहंग सिंघां दा नाम दिता है। उंज गुरु खालसा जी जिहड़ा चोला पा लवे ते आपां कह दिंदे आ इह निहंग है ते असीं सिंघ है, पर जिहड़ा पुराणा बोला सी ना गुरु के खालसे दा जो महाराज साहिब जी ने खालसे नूं दिता है, जिहड़ा अमृत त्यार ई त्यार पर त्यार बाणी बाणी विच पूरा उहनूं सिंघ कहिंदे, जिहदे फरले सिर दे उपर फरला हुंदा उहनूं निहंग सिंह कहिंदे सन। भुजंगदार हुंदा है सप, सप दा सुभा ऐसा कौड़ा हुंदा है जिहदे पिछे उह पै जावे ना गुरु खालसा जी उहदा खैड़ा नहीं छड्दा। सप दे बच्चे मार दिओ कोह दिओ कि सप उहदा वैर लैंदा है। दो जोड़ा होवे सपनी ते सप दा, एक मार दिओ ते दूजा गुरु खालसा जी बदला लैंदा है। ये गुरु के खालसे दा सुभाव ही ऐसा ही है। महाराज कलगीधर जी ने जफरनामे दे विच औरंगजेब बादशाह नूं कहा, कहंदे की होया चेहा शुद्ध के चूं बचगा कुश्ता चार के बाकी बेमान दस्त पे चीदा मार। की होया औरंगिया
जे तू साढ़े चार लाल मार दिते ने, मार नाम सपदा है, साडा भजंगी खालसा जी तैयार बर तैयार है, वो तेरिया जड़ा पुटेगा। दूजा गुरु खालसा जी सिंह नाम शेर दा है, शेर दा भी सुभा हुंदा है, वो जिहदे पिछे पै जावे उहदे गुरु खालसा जी चीथड़े उड़ा दिंदा है। ते निहंग नाम मगरमच्छ दा है, मगरमच्छ दा भी यही सुभा है। सो महाराज कलगीधर जी कहंदे ऐसे सूरमे जड़े शरीर करके ते मन करके बड़े बली ने, ते जिन्हां दा शेरां ते मगरमच्छां वर्गा निरभय सुभाव है, ओ जंग दे मैदान विच आए ने। मुबारिज तलब करद जुंबिस जे जाए, महाराज साहिब जी कहंदे ने ओ जड़े सूरमे ने ओ हमेशा ही चाहुंदे ने कि किधरे जंग पवे। मुबारिज मैंने जंग, तलब मैंने चाहत, करद मैंने करन वाले ने, जां करद मैंने करदे ने, ओ सूरमे जेड़े ने हमेशा ही जंग दी चाहना करदे ने। ते जदों जंग दे मैदान विच आए ने, ते उस वक्त आ जंग दे मैदान विच आ करके जुंबिश मैंने हिल के जाए मैंने जगह, जे दा मीनिंग हुंदा है तू। महाराज कलगीधर जी कहंदे ने उन्होंने अपनी जगह तो हिल करके जंग दे मैदान विच ऐसे पैंतड़े कढ़े ने मानो कि वह जंग दे मैदान दे विच जंग दी चाहना करदे पए होन। वह वंगारदे पए ने पैंतड़े कढ कढ के। जिहड़े शस्त्रधारी गुरु खालसा जी सूरमे, पहलां तां वह अखाड़े नूं मत्था टेकदे ने, फिर पैंतड़ा कढदे ने। पैंतड़े का भाव हुंदा है कि आवे कोई साढ़े नाल आ करके गजे वजे अखाड़े दे विच। साहिब कलगीधर जी कहंदे ने जिहड़े सूरमे ने वो जंग दे मैदान विच गए ने ते अपनी जगह तो हिल के उन्होंने पैंतड़ा कढ़िया है, मानो दूजिआं नूं बुलाउंदे पए ने, उन्हां दे मन विच चाहना है जंग करन दी, वंगारदे पए ने आओ साडे नाल आ करके दो हाथ करो। हजा हज कमा तीर फौलाद साए, महाराज कलगीधर जी कहंदे कुछ सूरमे गए ने उन्होंने अपने कमाना दे विच तीर फौलाद, फौलादी तीर रखे ने ते ओ चलाए ने, ते उस वक्त हजा हज दी आवाज हुई है, छू छू करदे तीर एक दल तो दूजे दल वल गए ने। साए का अर्थ हुंदा है फसाद, मानो ये फसाद करन वास्ते सूरमिया ने फौलादी तीर छड़े ने। तीर फौलाद इकट्ठा है, साए वखरा है। साए मैंने फसाद करन वास्ते सूरमिया ने ये तीर चलाउणा कीते ने। उपर जुंबिश बब्बे नूं सिहारी है, ये गुरु खालसा जी पुरातन वीणा विच भी किते किते देखी है, ते मौलवी साहब जी ने भी दस्या सी कि शब्द जुंबिश बब्बे नूं सिहारी नाल हुंदा है। बाल लग जश दरामद जमी कार जार, साहब जी कहंदे ने जिस वक्त सूरमिया ने जंग दे मैदान विच जाके तड़थली मचाई है, ते उस वक्त दर कहीए विच आमद मैंने आई, दर आमद ये दो शब्द मिलके बनिया है दरामद। लगजश मैंने कंबन, ते दर मैंने विच, आमद मैंने आई है। जमी मैंने धरती, ते कारजार मैंने युद्ध वाली, जिहड़ी युद्ध वाली जमीन है धरती है ना, वो कंबन विच आई है। भाव जदों सूरमिया ने जा करके युद्ध दे मैदान में तड़थली मचाई है, ते जिहड़ी युद्ध दी भूमि है ना वह भी कंब गई है, वह भी कंबन विच आई है। ब लगजश जो ब है ये क्रिया विशेषण है, ये गुरु खालसा जी तुक नूं पूरियां करन वास्ते सुंदर करन वास्ते शब्द लगा होया है, इहदा कोई खास मीनिंग नहीं है। मौलवी अतीक अहमद साहब जी भी कहंदे सन, ते मैं फारसी दियां लुगातां विच भी पढ़िया है, बदार्थ विच उपर नाल साथ इत्यादि आउंदे ने,
ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਤੁਕ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੋ ਪਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ। ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਪਦ ਘਟੇ, ਸ਼ਬਦ ਘਟੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਬ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਬਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਦਲੇਰਾ ਮੁਸਾਫ ਅੰਦਰਾ ਮਦ ਕਰਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜੰਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੰਬਣ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੰਬੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਾਫ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦਲੇਰਾਂ ਦਲੇਰ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਦਰ ਆਮਦ ਆਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਆਮਦ ਆਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਮੈਨੇ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਮੈਨੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਸੂਰਮੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਧੜਥੱਲੀ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਕੰਬ ਗਈ ਹੈ, ਕਰਾਰ ਕੱਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਸ਼ਦੀਦ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਰਾਰੇ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੱਕੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰਾਰ ਐ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੱਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਅਧਿਕ ਇੱਥੇ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਸੰਪਰਦਾਈ ਉਚਾਰਨ ਬੋਧ ਭਾਗ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾ ਵਿਸਥਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਣੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸਰਬਲੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਏ। ਜਿਹਨੇ ਛੰਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੂਪ ਦੀ ਪਿੰਗਲ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਟੀਕ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਸੰਪਰਦਾਈ ਉਚਾਰਨ ਬੋਧ ਦੇ ਭਾਗ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਛਾਪ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਾਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਕਰਾਰ ਮੈਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ, ਮਾਨੋ ਤਰੀਕ ਮਿਥ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜੰਗੀ ਸੂਰਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਏ। ਦਰਾਂ ਜਾਏ ਗੁਲਾ ਵਾ ਤਨ ਸਾਖ ਤੈ। ਹਾਂ, ਗੁਲਾ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਏ ਪ੍ਰੇਤ, ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਰਗੇ ਦੈਂਤ। ਵਾ ਮੈਨੇ ਅਤੇ ਤਨ ਸਾਖਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਤਨ ਨੇ, ਭਾਵ ਦੇਵਤੇ। ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਏ, ਦਰ ਆਂ ਆਂ ਮੈਨੇ ਉਸ, ਦਰ ਮੈਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਏ ਮੈਨੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੈਂਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਲਾਂ ਗੱਗੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੱਗੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੰਦੀ ਹਟਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਗੁਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਏ ਫੁੱਲ, ਜੇ ਗੱਗੇ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਦੇਈਏ ਗੁਲਾਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਪ੍ਰੇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਰਗੇ ਦੈਂਤ। ਐਸਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਧੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਏ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਮਲ ਦੀ ਡੰਡੀ ਹੈ।
जिहड़ा उपरों खून वग रहा है ये मानो गुलाब का फुल है। तन साखत है सुरमियां दे सख्त तना ने वह मैंने अते अते उस जंग दे मैदान दी जगह विच सुरमियां दे सख्त तना ने गुलाब का फुल बनाया हुआ है। गुला मैंने गुलाब का फुल, पर इत्थे बिंदी नहीं आएगी। जदों फुल का अर्थ इस प्रकार किया जाएगा मुख अर्थ विच बिंदी ही लगेगी। समर जुए मर्दा समर बाखत महाराज साहब जी कहंदे ने समर जुए मर्दा जंग नू चाहण वाले जुए मैने चाहण वाले मर्दा मैने बहादुर सूरमे ने जो ओ जंग दे मैदान विच आए ने ते जंग दे मैदान विच आ के समर बाखत है लड़ाई लड़ रहे हन। सवारण नामे समर साखत महाराज साहब जी कहंदे ने एक पासे नामी प्रधान सूरमे ने ते दूजे पासे जंग दे सख्त सूरमे ने। समर साखत है दूसरे पासे जंग दे विच जो सख्त खलोन वाले सूरमे, एक पासे जिहड़े देवते ने ओ बड़े प्रसिद्ध सूरमे ने। नामी माने प्रसिद्ध स्वारान नामी ये विशेषण देवत्यां दा है। समर साखत है जंग दे मैदान विच सख्त सूरमे भाव भजदे नहीं पैर पछाण नहीं करदे ये दैंतां दा विशेषण है। एक पासे जंग दे सख्त दैंत खलोते ने दूजे पासे जड़े प्रसिद्ध सवार देवते ने ओ खलोते ने ते दोनां दे विचकार जंग हो रहा है। सुरासुर दलेरान बर ताखत महाराज साहब जी कहंदे ने ऐसे प्रसिद्ध सवार देवते ते जंग दे मैदान दे सख्त दैंत जेड़े देवते ते दैंत बड़े दलेर ने बर ताखत है आपस विच एक दूजे दे उपर टुट पए हन। बर ताखत है बर क्रिया विशेषण ने ते ताखत टुट पए ने बार उपर एक दूजे दे उपर ताखत टुट पए ने इस तरीके नाल अर्थ करना है। समर साखत मुख अर्थ विच कठा है ते दूजे अर्थ दे विच इदां भी करदे ने जिहड़े बड़े प्रसिद्ध घोड़सवार ने ते समर जंग दा मैदान उन्हां ने साखत सजाया होया है भाव बनाया होया है। कहो नाम तिनके मुफसिल शुमार महाराज कलगी तार जी कहंदे ने जिहड़े सूरमे जंग दे मैदान विच लड़े ने ऐ खालसा जी मैं उन्हां दे मुफसिल पूरे शुमार गिन के तुहानू नाम कहंदा हां। फफे दे पैर विच बिंदी भी है उत्ते अधक है ते सस्से नू सिहारी मुफसिल मैंने पूरे नाम गुरु खालसा जी मैं तुहानू गिन के कहंदा हां। दोसु जंग आमद दरे कारजार जो दोनां ही सू तरफा तो जंग दे मैदान विच आमद आए ने दरे कारजार दरे विच कारजार जंग दे मैदान दे ते पहले जंग दा अर्थ लड़ाई करन वास्ते जो दोनां ही सू तरफा तो जंग करन लई आमद आए ने जंग दे मैदान विच सूरमे उन्हां दे नाम मैं कहना है ऐ दया सिंह जी ऐ मेरे प्यारे सिंह आप जी सुनना करो। बा मैदाने दा दंद खुतली रेकाब महाराज कलगीधर जी कहंदे ने उन्हां दे नाम भी मैं तुहानू कहांगा पर उहदे तो पहला मैं तुहानू दसदा हां कि उह जंग दे मैदान विच किवें आए है ते किवें आ करके उन्हां ने लड़ाई मचाई है। पहला मैं लड़ाई दसदा हाँ ते बाद विच फिर उन्हां दे नाम दसांगा। बा कहीए विच मैदाने कहीए जंगे मैदान दे दाद अंद मैंने दित्ते हन दाद अंद दाद मैंने दित्ते अंद मैंने हन की दित्ते ने उन्हां ने जंग दे मैदान विच खुतली खुतलान देश दे रिकाब रिकाबां सद त्यार बर त्यार घोड़े दिते ने भाव घोड़िया के उपर चढ़ करके ओ जंग दे मैदान दे विच आए हन। बा चौगा जिहादंद मरकब शेताब हाँ ऐसे घोड़े जंग दे मैदान विच सुटे ने ऐसे घोड़े जंग दे मैदान विच लियांदे ने
ऐसे घोड़िया से सवार हो के जंग के मैदान आए ने जेड़े बकई चौका मैने पोलो का मैदान पोलो की खेड दे जिहाद मैने दौड़न वाले जजे नू सिहारी है जिहाद अंद अर्थ वेले करना है जिहाद अंद जिहाद मैने दौड़न वाले अंद मैने हन जेड़े पोलो दे मैदान दे विच पोलो की खेड दे विच चंगे दौड़न वाले ने गुरु खालसा जी पोलो की खेड होंदी है घोड़िया ते चढ़ के सूरमिया ने हत्थां विच खुंडियां पगड़ियां होंदियां ने ते ओ गेंद हेठां होंदी है ते घोड़िया ते चढ़ के इस तरह खिदो खुंडी की खेड खेडते ने उन्हू चौगा फारसी विच कहिंदे ने ते उदां गुरु खालसा जी उन्हू पोलो की खेड कहिंदे ने जिहाद अंध जिहाद मैने दौड़न वाले अंध मैने हन ऐसे जो चंगे मरकब मैने घोड़े शिताब मैने तेज जे तेज दौड़न वाले ऐसे घोड़े ने उन्होंने जंग के मैदान में सूरमिया ने दिता है ऐसे घोड़िया के उपर चढ़ करके सूरमे आए ने जो खुतरान देश के घोड़े ने उन्होंने उपर चढ़ करके सूरमे जंग के मैदान में आए ने इस तरह महाराज कलगीधर जी ये जंग का जो प्रसंग है ये फारसी बोली दे विच कलगीधर पातशाह जी रख रहे ने गुरु खालसा साध संगत जी हुण पहला महाराज कलगीधर जी जिवें सूरमिया ने जंग किया है जंग की हालत हुई है उन्हां दी वो फारसी बोली विच कहणगे ते बाद विच महाराज कलगीधर जी फिर सूरमियां दे नाम तुहानू गिण के दसणगे अगे वाला शब्द लंबेरा है ते समय दे विच होना नहीं इस वास्ते इत्थे ही समाप्ति है बा मैदाने दा दंद खुतली रकाब बा चौगां दे हा दंद मरकब शिताब वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।